हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। छोले 6-7 घंटे भिगो दिए थे, धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। नमक डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अब इनको 6-7 सीटी आने तक उबलने दें। एक कढ़ाई लें, उसमें 4-5 चम्मच ऑयल, फिर जीरा डालें ऑयल गर्म होने पर, थोड़ा सा हींग, तेज़पत्ता। अब ये 4-5 प्याज और कुछ लहसुन की 6-7 कलियाँ पीस ली थी बारीक, मिक्सी में पेस्ट बना लिया था। अब इनको हम ब्राउन होने तक भूने। बहुत ही टेस्टी छोले लगेंगे ये, सभी को पसंद आएंगे। एक बार मेरी रेसिपी के अनुसार बनाएं। अदरक, हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा 1 इंच, बारीक काट लें इनको। धनिया पाउडर 2 चम्मच, ये 1 चम्मच देसी घी, इससे छोले में बहुत ही टेस्ट आता है। लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब ये 6 टमाटर थे जिनकी प्यूरी बना ली पीस कर। अब हमें टमाटर को भूनना है। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें मैंने 2 चम्मच मलाई डाली है। अब इनको अच्छी तरह से मिला लें, इससे छोले का टेस्ट बढ़ जाता है। कसूरी मेथी, मसाला भुन जाने पर अब इसमें हम छोले डालें और इनको अच्छी तरह से पकाएं, कम से कम 10-15 मिनट मीडियम आंच पर। अब ये मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ भरकर, मैं इसमें छोले मसाला नहीं डालूँगी। ढककर पकने दें इनको। ये देखिए बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार हैं। मैंने छोले में कोई चाय पत्ती वगैरह नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर।